आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, दौड़ने का, हर चीज का हिसाब किताब करना। और वो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, सुबह से शाम तक की जो जिंदगी है इसमें आ जाए, तो वो बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। और अगर उसके हिसाब से आप आचरण करना शुरू कर दें तो वो मानते हैं और कहते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा निरोगी रहे, रोग मुक्त रहे। अब वो कहते हैं कि ये जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं, इनको सोने, उठने, बैठने, खाने पीने हर चीज का ध्यान रखना। तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूं और स्वास्थ्य उसमें आता चला जाएगा, वो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। खाने पीने से शुरू करता हूं और अंत करूंगा सोने, उठने, बैठने से, चलने फिरने से। खाने पीने के बारे में चरक ऋषि सॉरी बागभट्ट कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान अपने पेट पर रखना है, क्योंकि पचन शक्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। आपकी जो पाचन शक्ति है ना, वो सर्वश्रेष्ठ सामान्य रूप से नहीं होगी, प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी। और वही बागवत बोलते हैं कि दूसरे कुछ क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं जिनकी पचन शक्ति सामान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ होगी, बिना प्रयास के भी मिल जाएगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आपकी पचन शक्ति सबसे अच्छी हो, ये वो बहुत जोर देके कहते हैं चरक सॉरी बागवत। बागवत कहते हैं कि समशीतोष्ण इलाके में रहने वालों को पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उनकी पाचन शक्ति अच्छी है तो उनका जीवन सुखी है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारी पाचन शक्ति सर्वश्रेष्ठ हो, उसके लिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, भोजनांते विषम वायु। इसका अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। जो लोग समशीतोष्ण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, हमारे लिए, हम जहां रहते हैं, हम अगर खाना खाने के बाद पानी पिए तो बार बार ऋषि बोलते हैं कि हमने जहर पी लिए। इतने कड़े शब्द में वो कह रहे हैं इस बात, क्यों? वो एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है वो ये कि जो समशीतोष्ण इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं उनका पाचन भी तुरंत शुरू हो जाता है, और खाने का पाचन करने के लिए उनके शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है। जैसे रसोई घर में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पकाने के लिए, वैसे ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है भोजन पचाने के लिए। बहुत सुंदर उदाहरण वो दे रहे हैं इसके लिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे रसोई घर में दूध है और चावल भी है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो क्या करें? दूध चावल को मिला दें, अग्नि नहीं है तो खीर कभी भी नहीं बनेगी। हमारे पास चावल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो चावल कभी भी भात नहीं बनेगा। हमारे पास दाल है और पानी है, अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। भाजी अच्छे से अच्छी है, मसाला और भी अच्छा है, अग्नि नहीं है तो भाजी नहीं पकेगी। ऐसे बीसियों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। कि जैसे रसोई में अग्नि का महत्व है, ऐसे ही पेट में भी अग्नि का महत्व है। पेट में अग्नि है तो भोजन ठीक से पचेगा, नहीं है तो नहीं पचेगा। और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सकेंगे उनको जीवन में 108 रोग आने ही वाले हैं, कितना भी वो बचाओ कर। क्यों आने वाले हैं? तो वो कहते हैं कि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल और मूत्र बनेगा, मल मूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर निकल जाएगा, मांस मज्जा रक्त वीर शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारण करेगा, और ये मांस मज्जा रक्त वीर ही है जो शरीर को चलाएगा। बात समझ में आती है? और सीधी सी आपको अग्नि की जरूरत है, जैसे रसोई में वैसे पेट में, तो अग्नि चाहिए। खाना खाते ही अग्नि जल जाती है, ये ऑटोमेटिक है। आपने भोजन शुरू किया, अग्नि प्रदीप्त हो गई।
अब ये अग्नि तब तक जलती है जब तक कि भोजन का रस नहीं बन जाता, और भोजन का रस बनने में लगभग सामान्य रूप से 1 घंटा लगता है। रस बनकर आगे जब भोजन पचता है उसमें 4 घंटे लग जाते हैं, रस बनने में 1 घंटा लगता है। तो बाणभट्ट ऋषि का कथन है कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? रस बनाने के लिए अग्नि जल रही है, आपने गिड़गिड़ गिड़गिड़ पानी पी लिया, अग्नि शांत हो जाएगी, रस बनेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। और बाणभट्ट कहते हैं कि सड़ा हुआ भोजन 108 रोग पैदा करेगा। कौन कौन से रोग पैदा करेगा? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस बनना, जलन होना, हड्डी लकारे आना, मुंह में से पानी आना, ये सब। और ये तो छोटे छोटे हैं, और अंत में खतरनाक से खतरनाक रोग, पेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, वहां तक 108 रोग। तो इसलिए आप जहां रहते हैं उस इलाके में खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना। तो आप पाचन पर ध्यान दीजिए, माने पेट पर ध्यान दीजिए। तो उसका पहला सूत्र है खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। चलेगा? नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं कि हम तो घटाघट घटाघट लोटा भर जब तक पी नहीं लेते चैन ही नहीं मिलता, शांति ही नहीं होती। आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद लोटा भर के पानी पी रहे हैं तो मत पीजिए, बंद कर दीजिए, इस आदत को बदल दीजिए। फिर कई लोग कहते हैं कि अगर खाने के बाद पानी नहीं पीने तो गला साफ नहीं होता। तो उसके लिए विकल्प है। क्या विकल्प है? तो वो कहते हैं कि पानी छोड़कर कोई भी ऐसा तरल पदार्थ पीजिए जो अग्नि में मदद करे। विज्ञान की भाषा में इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, ये हम विज्ञान की भाषा में आधुनिक विज्ञान में कह सकते हैं। बाणभट्ट उसको कहते हैं कि फेड़ में जठर अग्नि है, जठर में अग्नि प्रदीप्त हो। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी लो जो अग्नि को और ज्यादा बढ़ाए, शांत न करे। तो अग्नि बढ़ाने वाली क्या क्या चीजें हैं? तो वो कहते हैं सबसे अच्छा है दही का मट्ठा, फिर दूसरा कहते हैं दूध, और तीसरा उन्होंने बताया है कोई भी फल का रस, खासकर खट्टे फलों का रस, जैसे संतरे का रस, मौसमी का रस, अंगूर का रस, टमाटर का रस, ये सब जो खट्टे रस हैं, नींबू का रस, आंवले का रस, अनन्नास का रस, ये जो खट्टे रस हैं, ये अग्नि को और प्रदीप्त करते हैं। तो चरक ऋषि बोलते हैं कि भोजन के बाद या तो कोई रस पियो, गन्ने का पी लो, संतरे का पी लो, मौसमी का पी लो, आम का पी लो, अनार का पी लो, अंगूर का रस पी लो, कोई रस पी लो खाना खाने के बाद, या तो मट्ठा पी लो और नहीं तो दूध पी लो। अब दूध कब पीना है, मट्ठा कब पीना है और रस कब पीना, इसकी भी बात उन्होंने बताई। मैंने आपसे कहा ना बहुत माइक्रो लेवल पे ये सब। वो ये कहते हैं कि सुबह का भोजन किया है तो रस पी लो, दोपहर का भोजन किया है तो मट्ठा पी लो, और रात का भोजन किया है तो दूध। और वो इतनी सख्ती से अगला वाक्य बोलते हैं कि ये 3 जो ऑर्डर हैं, रस सुबह पीना, मट्ठा दोपहर को पीना, दूध शाम को पीना, इसमें इंटरचेंजिंग नहीं चलेगी। दूध सुबह पी लिया, मट्ठा रात को पी लिया, जूस दोपहर को पी लिया, वो कहते हैं सत्यानाश। इतना छोटे लेवल पर वो बोल रहे हैं, इतना माइक्रो है, इतना डीप है। रस पीना है तो सुबह ही पीना, मट्ठा पीना है तो दोपहर को ही पीना, और दूध पीना है तो रात को ही पीना। तो आप खाना खाने के बाद ये 3 चीजें पी सकते हैं। जूस पी लीजिए, मट्ठा पी लीजिए, दूध पी लीजिए, पानी मत पीजिए। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि जूस में भी तो पानी है और मट्ठे में तो पानी ही पानी है, दही तो थोड़ा ही है, और दूध में तो आप जानते हैं 90% से ज्यादा पानी ही होता है। तो चरक ऋषि अद्भुत है, सॉरी बाणभट्ट अद्भुत है, पानी मत पियो ऐसा बोलते हैं और जूस पियो ऐसा बोलते हैं। जूस में पानी है, मट्ठे में पानी है, दूध में पानी है।
तो इसका बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया है। और ये उत्तर आपको समझ में आ जाए तो मैं एक फिल्म के गाने का उदाहरण देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। हर देश में कोई फिल्म बनी के नाम नहीं आ गया, उसमें एक गाना था पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कौन सी फिल्म? शोर। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो उत्तर है जिसमें मिला हो उस जैसा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, पानी का अपना कोई गुण नहीं है, पानी का अपना कोई तत्व तो नहीं है, वो जिसमें मिला लो वैसे ही हो जाता है। तो जूस में पानी तो है ना, वो जूस के जैसा। दही में पानी जो है ना, दही के जैसा। और दूध में पानी, दूध के जैसा। वो पानी नहीं है, दूध में पानी दूध है, मटके में पानी दही है, और जूस में पानी फल के रस के जैसा। सादा पानी पी, दूध में है पानी तो वो पी सकते, मटके में है तो पी सकते, जूस में है तो पी सकते। तो पहला सूत्र हो गया चरक, सॉरी बालवक्त ऋषि के अनुसार खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। पीने के लिए तीन चीजें हैं, जूस मट्ठा दूध, जूस सवेरे मट्ठा दोपहर को, दूध शाम को। ये एक छोटा सा सूत्र मैंने डायबिटीज के सैकड़ों मरीजों को कहा कि तुम करो। जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, जिनको किसी को भयंकर डायबिटीज 10 साल से 12 साल से, और वो कहते हैं जी कंट्रोल भी नहीं आती, तीन तीन बार इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के फिर भी नहीं आती, उनको ये एक सूत्र मैंने बताया कि कर लो, मुफ्त में है, बालवक्त ऋषि का इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, फुकट में तुमको दे गए, खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, कर लो, इसमें बुरा ही क्या। तो जिसने भी किया है, चार पांच महीने के बाद हरेक ने मुझे फोन किया, राजू भाई काम बहुत आता है ये सूत्र। कोई बोलता है कि मेरी शुगर 400 यूनिट के ऊपर कभी नीचे रहती ही नहीं थी, और ये एक सूत्र पालन किया है तो 170 तक आ गई है बिना किसी दवा की मदद के। सिर्फ इतना ही किया है कि भोजन के बाद पानी नहीं पिया है, सुबह भोजन किया है तो जूस पिया है, दोपहर को भोजन किया तो मट्ठा पिया, रात को किया तो दूध पिया। और ये डायबिटीज वाले अकेले नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को बताया जिनको गैस बनती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, वो कहते हैं कि एक सवा महीने में एसिडिटी ही खत्म हो गई बिना कोई दवा के, बस इतना सूत्र अपने जीवन में लाया हो। तो आप भी ले आओ, अच्छा सूत्र है, खर्चा कुछ भी नहीं मुफ्त का, बस इसमें आदत बदल, आदत बदलने जाती है। शरीर के बारे में बालवक्त ऋषि कहते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप जैसा चाहो वैसा हो सकता, आप बदल दो आदत बदल जाएगी, कल से शुरू करो। फिर आगे का एक छोटा सा नियम है, वो नियम तो नहीं है लेकिन उप नियम है, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को खाना खाते समय पानी की जरूरत है वो क्या करें, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाए तो पानी की जरूरत ही नहीं रहे। और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि जिसके जितने दांत उतनी बार चबाएं। हाँ, ये याद रखने में बहुत ही आसान है, मुझे मालूम है कि मेरे दांत 28 है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, किसी को 30 है, किसी को 32 है, किसी को 26 है। तो चरक, सॉरी बालवक्त ऋषि कहते हैं कि जितने दांत उतनी बार चबाओ, तो 30 दांत है तो 30 बार चबाओ, 28 है तो 28 बार चबाओ। तो वो कहते हैं कि दांत के हिसाब से चबाओगे तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मुंह में जो पानी बन रहा है जिसको आप लार कहते हैं, चबाएंगे ज्यादा तो ये खुद ही इतना ज्यादा बनेगा कि खाना अपने आप नीचे उतर जाएगा, पानी की जरूरत नहीं। तो मुख्य नियम है भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, और उप नियम है भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाना। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, तुरंत आपके ख्याल में आएगा। बालवक्त ऋषि ने ये जो सूत्र दिया इसका पालन मनुष्य को छोड़कर सब जीव करते, मनुष्य छोड़कर। गाय को देखा, गाय को सुबह खाना खाएगी, पानी कभी भी दोपहर को पिएगी, देखा, कभी भी गाय खाना खाते ही पानी नहीं पिएगी। भैंस को भी ये नियम मालूम है, भैंस भी सुबह खाना खाएगी, पानी दोपहर को पिएगी। ये मूर्ख मनुष्य को नहीं मालूम, भैंस से भी गया मिलता है, याद है, गाली जानवरों को देता है और जानवरों से ज्यादा मूर्ख।
कभी आपने सुना गाय को डायबिटीज हो गया, या भैंस को आर्थराइटिस हो गया, या बैल को कंधे का दर्द हो गया? दो तीन टन माल रोज लाता है ले जाता है, फिर भी कंधे का दर्द नहीं होता। हम अपना वजन शरीर पर ले जाते हैं तो हमारे कंधे सरक जाते हैं। तो ये गाय दर्द भैंस से ज्यादा स्वस्थ है। पक्षियों को आप देखो, सुबह सुबह दाना चुगेंगे, पानी दोपहर को ही पिएंगे। तो हर पक्षी और पशु पानी और खाने के बीच में 4 घंटे का अंतर रखता है। बालभट्ट कहते हैं कि वो मनुष्य से ज्यादा होशियार है। हमको ये समझने की जरूरत है, और अगर हमने ये समझ लिया तो पक्षी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ। तो कल से आप ये शुरू कर दो, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने को इतना धीरे चबा चबा के खाना कि वो पानी की तरह से नीचे उतर जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो अभी तुरंत आप पूछो। इस बात को समझ में नहीं आई तो तुरंत पूछो आप। खा सकते, खा सकते, बिल्कुल खा सकते, जरूर खा सकते, रसीले फल खा सकते, लेकिन सुबह ये ध्यान रखना, जितने भी रसीले फल हैं उनके खाने का समय सुबह है, जितने भी ठोस फल हैं उनके खाने का समय दोपहर है। रसीले फल सुबह, ठोस दोपहर। आप सबको समझ में आ गया? सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्।